स्टूडेंट्स, आज हम बात करेंगे सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट अर्थात विलयिता गुणनफल। क्या है सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट, इस पर आज हम डिस्कस करने वाले हैं। माय डियर, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ एन इलेक्ट्रोलाइट, किसी भी विद्युत घटक का जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट है इज एन सैचुरेटेड सॉल्यूशन, संतृप्त विलयन में, इज गिवन बाई प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ आयन्स प्रेजेंट राइज टू सुटेबल पावर। वो कह रहा है कि किसी अल्प विलय विद्युत अपघट्य के संतृप्त घोल में यानी सैचुरेटेड सॉल्यूशन में उसके जो आयन होते हैं, किसके आयन, इलेक्ट्रोलाइट के, वैद्युत अपघट्य के जो आयन होते हैं उनकी जो कॉन्सेंट्रेशन है, जो सांद्रता है, उनका जो प्रोडक्ट है वो कांस्टेंट होता है और शार्प होता है, जिसे हम कहते हैं उस इलेक्ट्रोलाइट का सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी कि विलयिता गुणनफल। अल्पविलय वैद्युत अपघट्य के संतृप्त घोल में उसके आयनों की सांद्रताओं का गुणनफल स्थिर और निश्चित है, उसे ही हम कह रहे हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट। आइए इसको समझिए एक एग्जांपल के माध्यम से। इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ AgCl, AgCl एक ऐसा इलेक्ट्रोलाइट है जो अल्पविलय है, तो इसके सैचुरेटेड सॉल्यूशन में, सैचुरेटेड सॉल्यूशन क्या होते हैं, उस टेम्परेचर पर जो भी, जैसे मान लीजिए रूम टेम्परेचर है 25 डिग्री सेंटीग्रेड पर, अगर इसको हमने प्रिपेयर किया है तो रूम टेम्परेचर पर उस सॉल्यूशन में और अधिक सॉल्यूट डिसॉल्व ना किया जा सके, तो इस प्रकार का जो सॉल्यूशन होगा वो होगा सैचुरेटेड सॉल्यूशन, उसे हम कहते हैं संतृप्त विलयन। तो उसमें किस प्रकार की साम्य होता है, किस प्रकार का इक्विलिब्रियम रहता है, देखिए ये तो हुआ AgCl सॉलिड, ठीक। अब हमने इसको क्या किया, डिसॉल्व किया, डिसॉल्यूट किया सॉल्वेंट में, तो ये चला गया यहां पे सॉल्यूशन में, ठीक है। ये तो कुछ रिमेनिंग क्वांटिटी रह जाएगी AgCl की, ये तो रिमेनिंग सॉलिड AgCl है। अब ये कहां चला गया, सॉल्यूशन में चला गया। अब ये कुछ तो डिसोसिएट हो जाता है और कुछ अनडिसोसिएट रहता है, तो आफ्टर डिसोसिएशन इट गिव Ag प्लस आयन एंड Cl माइनस आयन, ठीक है। तो अनआयोनाइज्ड AgCl और आफ्टर डिसोसिएशन जो आयन बनते हैं इनके बीच में क्या रहता है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो जाता है, ठीक है। अवियोजित AgCl और आयनों के मध्य साम्य स्थापित हो जाता है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड हो जाता है, ठीक। तो इस इक्विलिब्रियम पर, केवल इस पर हम बात कर रहे हैं, अनआयोनाइज्ड AgCl और आयनों का जो साम्य है इस पर हम अप्लाई करते हैं लॉ ऑफ मास एक्शन, ठीक है। अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होगा, आयोनाइजेशन कॉन्स्टेंट K इज इक्वल टू Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन अपॉन AgCl मॉलिक्यूल कॉन्सेंट्रेशन एट इक्विलिब्रियम, ठीक है। या फिर हम इसको लिख सकते हैं K इंटू AgCl कॉन्सेंट्रेशन इज इक्वल टू Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। अब यहां पे देखिए ये जो सॉलिड AgCl प्रेजेंट है सॉल्यूशन में, लेकिन डिसॉल्व नहीं हुआ है, सॉल्यूशन में गया नहीं है, बाहर ही है, तो ये जो सॉलिड AgCl है और जो डिसॉल्यूट अनआयोनाइज्ड AgCl है उनके बीच में भी साम्य रहता है, इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश रहता है, उसकी भी कॉन्सेंट्रेशन क्या रहती है, कॉन्स्टेंट रहती है, ठीक। यानी कॉन्सेंट्रेशन of unionized AgCl is also constant,
तो वह भी कांस्टेंट रहती है। अगर हम मान लें कि ये जो AgCl है अनायोनाइज्ड ये वाला और इसकी जो कॉन्सेंट्रेशन है वो कांस्टेंट है और इसे हम रिप्रेजेंट करें K डैश से, तो यहां पे K इंटू K डैश AgCl के स्थान पे क्या आ जाएगा K डैश K इंटू K डैश इजिकल टू क्या आ गया Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ठीक, अगर हम रिप्रेजेंट करें K इंटू K डैश इजिकल टू Ksp से, तो Ksp इजिकल टू क्या हो जाएगा Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। Ksp जो है ये है एक कांस्टेंट जिसे हम कहते हैं सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ दैट इलेक्ट्रोलाइट, और यहाँ पे AgCl है तो ये Ksp है, ये रिप्रेजेंट कर रहा है AgCl के सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट यानी कि विलयता गुणनफल को। ठीक है, तो ये जो है Ksp is equal to Ag plus ion concentration into Cl minus ion concentration at equilibrium, ये क्या है, ये जो है विलयता गुणनफल का व्यंजक है किसके लिए AgCl के लिए। ठीक, इस पे किस प्रकार की साधारण सी प्रॉब्लम आती हैं इस पर हम थोड़ी सी चर्चा करते हैं। एक दो एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि किस तरह की प्रॉब्लम्स इस पे आती हैं और किस प्रकार से उनको आप सॉल्व करेंगे। आइए बात करते हैं एग्जांपल वन पर। द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट ऑफ AgCl इज 1.56 × 10⁻¹⁰ एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, यानी रूम टेम्परेचर पर AgCl का Ksp सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कितना है 1.56 × 10⁻¹⁰ है। ठीक है, तो कैलकुलेट करेंगे सॉल्युबिलिटी ऑफ AgCl इन ग्राम पर लीटर, ग्राम पर लीटर में AgCl की सॉल्युबिलिटी हमें कैलकुलेट करनी है। तो सबसे पहले तो इसके एसोसिएशन का इक्वेशन लिख लीजिएगा, AgCl रिवर्सिबल रिएक्शन Ag प्लस प्लस Cl माइनस। अब शुरू में जो हमने क्वांटिटी ली है मान लीजिएगा जैसे AgCl है और AgCl की जो सॉल्युबिलिटी है वो है S मोल पर लीटर। अच्छा, बिफोर डिसोसिएशन, जब डिसोसिएशन हुआ ही नहीं तो AgCl ही रहेगा सॉल्यूशन में, AgCl ही रहेगा, लेकिन सॉल्यूशन में जाने पर जब डिसोसिएशन हो गया तब ये आयनों में कन्वर्ट होगा। तो यहां पे अगर मान लीजिएगा कि AgCl की सॉल्युबिलिटी कितनी है S मोल पर लीटर यानी बिफोर डिसोसिएशन, तो Ag प्लस और Cl माइनस तो जीरो ही होंगे। मान लें कि AgCl इज कंप्लीटली डिसोसिएट इन Ag प्लस एंड Cl माइनस आयन, इट इज सपोज केवल मान लेते हैं। ठीक है, जबकि कंप्लीटली डिसोसिएट होगा नहीं, क्योंकि कंप्लीटली अगर डिसोसिएट हो जाएगा तो इसमें इक्विलिब्रियम एस्टेब्लिश्ड नहीं होता है, हो ही नहीं सकता, क्योंकि अनायोनाइज्ड मॉलिक्यूल ही नहीं होंगे तो फिर इक्विलिब्रियम कैसे एस्टेब्लिश्ड हो सकता है, आप जानते हैं। तो सपोज करिएगा, मान लीजिएगा कि AgCl कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया यानी टोटली जो है आयोनाइज्ड हो गया, तो Ag प्लस आयनों की जो सॉल्युबिलिटी होगी वो S मोल पर लीटर होगी, Cl माइनस की भी S मोल पर लीटर होगी। ठीक है, अब चूंकि 1:1 1:1 प्रकार का साल्ट है, तो जितने भी 1:1 प्रकार के लवण हैं उन सभी लवणों के लिए उनकी सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में जो रिलेशन आएगा वो AgCl के समान ही आएगा। इसके लिए क्या रिलेशन आएगा, तो पहले जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट का जो व्यंजक है वो लिखेंगे Ksp इक्वल टू क्या हो जाएगा Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन इंटू Cl माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन, और Ag प्लस और Cl माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन कितना है S मोल पर लीटर, ये भी S मोल पर लीटर है। ठीक है, तो यहां पे वैल्यू लगा दीजिएगा, Ksp इक्वल टू क्या हो जाएगा S इंटू S, ये इक्वल टू हो जाएगा S स्क्वायर, या हम इसको लिख सकते हैं S इक्वल टू रूट Ksp। तो जितने भी 1:1 प्रकार के लवण है चाहे वो PbSO4 हो, ठीक है, जैसे मान लीजिएगा PbSO4 है, तो PbSO4 भी डिसोसिएशन पर क्या देगा Pb प्लस प्लस और SO4 माइनस माइनस, यानी एक ही कैटायन देगा और एक ही एनायन देगा, इस वैलेंसी से कोई मतलब नहीं है, कभी इस वैलेंसी के अकॉर्डिंग आप लगा जाए।
आफ्टर डिसोसिएशन कितने कैटायन देता है, कितने एनायन देता है। यदि एक कैटायन दे रहा है, एक एनायन दे रहा है, तो वो 1:1 टाइप का साल्ट होगा, और उसकी सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में ये रिलेशनशिप होगा। आप सीधे भी यहां से इंप्लीमेंट कर सकते हैं, ठीक है। तो KSP की वैल्यू लगा दीजिएगा, यहां पे दी हुई है 1.56 × 10⁻¹¹, ठीक। 1.56 का रूट निकालेंगे, वर्गमूल निकालेंगे, कितना आता है 1.25, और 10⁻¹⁵ हो जाएगा मोल पर लीटर। तो यहां पे जो सॉल्युबिलिटी आई वो आती है मोल पर लीटर में, और सॉल्युबिलिटी हमें जो है कैलकुलेट करनी है ग्राम पर लीटर में। तो मोल को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसको मोलर मास से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे। आप ग्राम के मोल कैसे बनाते हो, ग्राम के मोल बनाने के लिए वेट अपॉन मोलर मास, डब्ल्यू अपॉन एम होता है कि नहीं होता, ठीक। तो अब हम जो है इस मोल को ग्राम में कन्वर्ट कर रहे हैं, तो क्या हो जाएगा, अगर ग्राम में कन्वर्ट करेंगे क्या हो जाएगा, तो जो उसका मोलर मास है उससे उसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 1.25 × 10⁻¹¹, तो Ag का 108 होता है और Cl का 35.5 होता है, तो ये कितना हो गया 143.5, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, तो ये आ जाती है वैल्यू 1.79 × 10⁻³ ग्राम पर लीटर, ठीक है, क्लियर होगी बात। दूसरा एग्जांपल देख लेते हैं यहाँ पे। सॉल्युबिलिटी ऑफ Ag2CrO4 इज 2 × 10⁻³ मोल पर लीटर एट 25 डिग्री सेंटीग्रेड, कैलकुलेट द सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट। अब देखिएगा Ag2CrO4 को जब हम डिसोसिएट कराते हैं तो ये 2Ag प्लस आयन देता है और एक CrO4 माइनस माइनस आयन देता है, यानी कि ये 2:1, यानी दो अनुपात एक प्रकार का लवण है, ये दो कैटायन देता है, एक एनायन देता है। या फिर इस प्रकार का कोई साल्ट हो जैसे PbCl2, तो क्या देगा ये Pb++ और 2Cl-, यानी एक कैटायन देगा और दो एनायन देगा, ये दो कैटायन देता है और एक एनायन देता है। तो चाहे एक अनुपात दो प्रकार का साल्ट हो या दो अनुपात एक प्रकार का साल्ट हो, उसकी सॉल्युबिलिटी और सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट में जो रिलेशन आता है वो Ag2CrO4 के अकॉर्डिंग ही आता है। जो ये रिलेशन होगा वही इसके लिए भी रिलेशन, ठीक है। तो उसी के अकॉर्डिंग हम रखेंगे, मान लीजिएगा इसकी मोल जो है सॉल्युबिलिटी या मोल पर लीटर है, तो इनिशियल क्या होगी, इनकी जीरो होगी, ठीक। सपोज करिए ये कंप्लीटली डिसोसिएट हो गया तो ये जी कितने बनेंगे, 2s, ये s है तो कितना है, देखिए एक मोल से कितने मोल बन रहे हैं, दो मोल, तो s है तो कितने बनेंगे, 2s, और इसका एक ही है तो ये s बनेंगे, तो ये हो जाएगा s मोल पर लीटर आफ्टर डिसोसिएशन। जो व्यंजक है वो लिखेंगे KSP = क्या हो जाएगा, Ag प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन का स्क्वायर CrO4 माइनस माइनस, Ag प्लस की वैल्यू लगाएंगे, KSP = 2s² हो जाएगा (s), यानी कि 4s³ हो गया, ठीक है। या फिर हम इसको क्या लिख सकते हैं, S = क्या हो गया, 3√KSP/4, ठीक है। तो √KSP/4 हो गया यहाँ पे, इसकी वैल्यू आप निकाल सकते हैं, या KSP अगर सीधे सीधे कैलकुलेट करना है तो KSP = होगा 4s³। तो यहाँ पे तो हमें क्या निकालना है, केवल सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कैलकुलेट करना है, तो ये वाला फार्मूला इंप्लीमेंट कर दीजिएगा, KSP = 4s³, ठीक है। तो = क्या हो जाएगा, 4, s की वैल्यू कितनी है यहाँ पे दे रखी, 2 × 10⁻³, तो 2 × 10⁻³ का क्यूब हो गया। सिंप्लीफाई करेंगे तो क्या हो जाएगा, 4 × 8 × 10⁻⁹ हो जाएगा। फाइनली क्या आएगा आंसर, KSP = 3.2 × 10⁻⁸ आएगा। तो इस तरह से 1:1 एक अनुपात एक प्रकार के साल्ट हैं, उनकी जो सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से रिलेटेड प्रॉब्लम है वो S = √KSP से आप सॉल्व कर सकते हैं, और दो अनुपात एक या एक अनुपात दो प्रकार के जो साल्ट हैं उनकी सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट से जो रिलेटेड प्रॉब्लम है वो KSP = 4s³ से आप सॉल्व कर सकते हैं। ओके, क्लियर होगी बात, थैंक यू।